हैं कुछ राजनीतिक खबरों की। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद निगम मंडलों में नियुक्ति की गई है। जयपाल सिंह चावड़ा को इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बंसल न्यूज से हुई खास चर्चा में जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा कि इंदौर के विकास को गति देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जयपाल सिंह चावड़ा से खास चर्चा की विशेष संवाददाता पीयूष पारे ने। बंसल न्यूज पर इस वक्त सीधे रूबरू हो रहे हैं इंदौर विकास प्राधिकरण यानी कि आईडीए के नव नियुक्त चेयरमैन अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी। सबसे पहले चावड़ा जी, बड़ी जिम्मेदारी है और किस तरीके से जिम्मेदारी को आप देखते हैं? चैलेंज भी हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। जी भाई साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और संगठन में काम करते करते हमने ये सब सीखा है कि जिस काम में समन्वय बन जाता है, सबका सहयोग हो जाता है, कितना ही बड़ा काम हो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इंदौर इस मामले में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस एक प्रकार से प्रसिद्ध हैं कि जब कभी इंदौर के विकास की बात आती है तो यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग, यहाँ का व्यापारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी सब लोग मिल करके एक दिशा में चलने लगते हैं और हम देख रहे हैं उसका परिणाम कि पिछले 5 वर्षों से लगातार देश में कई नए नए आयाम इंदौर ने स्थापित किए हैं और उसी प्रकार से विकास के क्षेत्र में प्राधिकरण को लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे, सबका सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। इंदौर में जब आईडीए की जिम्मेदारी किसी को मिलती है तो काफ़ी उम्मीदें बहुत रहती है इंदौर से, ना सिर्फ जनप्रतिनिधियों को बल्कि जनता को भी। उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरने की कोशिश करेंगे? देखिए कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का जो सपना इस शहर को लेकर के है वो सब यहाँ की जनता के लिए ही है, यहाँ जो निवास करते हैं उनके लिए ही है और इसलिए जो जो उन्होंने सोच के रखा है महानगर को लेकर के उस दिशा में आगे बढ़ेंगे उसका लाभ सबको मिलने वाला है। विजनरी लीडर्स भी हैं इंदौर में, अगर बात करें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, इनका कितना साथ आपको लगता है कि मिल पाएगा? आप बहुत अच्छी बात कही, कैलाश जी जब महापौर थे यहाँ पर तो उन्होंने बहुत बड़ा एक पूरे शहर को कैसे आगे बढ़ना चाहिए बहुत बड़ा प्लान किया था। कई बार मेरी उनसे बातचीत होती रही थी इस विषय को लेकर के। पूरे देश में जो स्थान प्राप्त किया है इंदौर ने उसमें यहाँ के इस प्रकार के बड़े हमारे कैलाश जी या सुमित्रा ताई जी या मोघे जी या अन्य और भी जैसे महापौर रहे, उनने सबने जो योजना बनाई उसका स्वरूप अब हम उनको दिखाई देने लगा है। आगे भी जो चीज़ें शेष रही है प्राधिकरण के माध्यम से सब लोगों का सहयोग लेकर के और देश के नक्शे पर और अच्छे ढंग से ये उभर कर आए, इसी सब लोगों के मिल कर के, जनप्रतिनिधि हो या समाज सेवक हो, व्यापारी हो, यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग हो, सबको साथ लेकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। बात की जाए तो आईडी का खजाना खाली है, ये एक बड़ा संकट कहने के हैं सामने और बड़ी चुनौती के रूप में नजर भी आता है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, यहाँ की जनता साथ खड़ी हुई है और इसलिए जो भी चुनौती आएगी सब मिलकर सामना करेंगे उसका। चलिए, तो यहाँ पर आईडीए के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, साफ तौर पर इंदौर को काफी उम्मीदें हैं और उनका कहना है कि उन्हीं उम्मीदों पर वे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरे विजन के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर इस जवाबदारी को निभाएंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।